परमेश्वर हर शाम को कितनी खूबसूरत बनाते हैं, ये मुझे उनके महान प्रेम के बारे में बताती है जो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है। परमेश्वर जिन्होंने ये सब रचा है, पता नहीं वो मुझे देखते भी होंगे, जानना तो दूर की बात है। परमेश्वर शायद किसी पवित्र व्यक्ति को ही प्यार करेंगे, लेकिन मुझ जैसी को नहीं। रिवका, अगर तुम मेरे साथ उन 3 सालों तक रहती जिनमें उन्होंने हमें सिखाया। वो गुरु यीशु? सफीरा, क्या हमें उनके बारे में बताओगी? हाँ, हमें अपनी कहानी सुनाओ ना। जरूर सुनाऊंगी, आओ। अच्छा, हमें शुरू से ही बताना होगा। यीशु से मिलने के बाद से? नहीं, हमें यीशु की कहानी को समझने के लिए शुरू से ही बताना होगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है। आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी और इसके सारे पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों और समुद्र में रहने वाले प्राणियों की रचना की। मिट्टी से उन्होंने पहले आदमी को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। पहला आदमी आदम कहलाया। परमेश्वर ने कहा, आदमी के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक योग्य साथी बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम की एक पसली ली और उससे उन्होंने स्त्री की रचना की, जिसका नाम हव्वा था। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में एक सुंदर बगीचे में रहते थे, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। परमेश्वर उनके साथ बाग में घूमते थे और बात करते थे, और वहाँ कोई दुख नहीं था, शोषण नहीं था और मृत्यु भी नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू बाग के सब वृक्षों के फल खा सकता है, सिवाय भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल के। अगर तू उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को बहकाया। उसने फल तोड़ा और उसे खाया, और उसका कुछ हिस्सा अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। आदम और हव्वा की आज्ञा तोड़ने के शर्मनाक काम से बगीचे की शांति भंग हो गई। स्त्री पुरुष के बीच का मेल और परमेश्वर और उनके बीच का मेल भी खत्म हो गया। आदमी को एक पीड़ादायक जीवन जीने का श्राप मिला, और स्त्री को संतान उत्पन्न करते समय की पीड़ा सहने का और पति द्वारा शासित होने का श्राप मिला। लेकिन परमेश्वर ने एक वादा भी किया कि एक दिन स्त्री का वंश, उसकी अपनी संतान, सर्प का सिर कुछ लेगी। पवित्र शास्त्र में दयालु परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ अपना मेल और आदर फिर से स्थापित करने की योजना के बारे में बताते हैं। उन्होंने अपनी योजना का कुछ हिस्सा अब्राहम पर भी जाहिर किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया और उनका आदर किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसके द्वारा सारे राष्ट्रों के लोगों को भी आशीष दी। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उन्होंने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को लेकर उनके लिए बलि चढ़ाए। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने उसे इस पुत्र के द्वारा बहुत बड़ा वंश देने की प्रतिज्ञा की है, और इसके द्वारा सारी जातियों को आशीष देंगे। उसने फिर भी विश्वास किया और उनकी आज्ञा मानी। परमेश्वर ने पुकारा, अब्राहम, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरी आज्ञा मानता है। तूने अपने प्रिय पुत्र को भी मेरी खातिर नहीं रख छोड़ा। अब्राहम ने अपने पास एक मेढ़ा देखा, सो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए उसे अपने बेटे के बदले बलि चढ़ाया।
परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र के बदले जो मेढ़ा दिया था वो परमेश्वर की आने वाली महान योजना की एक झलक थी। ये योजना थी पाप के श्राप को और मृत्यु को नष्ट करने की और पुरुष और स्त्री का परमेश्वर के साथ मधुर संबंध पुनर्स्थापित करने की। नासरत में एक युवती रहती थी जिसका विवाह यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ होना तय था। उसका नाम मरियम था। परमेश्वर आपके साथ है और उन्होंने आपको बड़ी आशीष दी है। भयभीत ना हो मरियम, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और आप उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मैं तो कुमारी हूं, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी। जो बच्चा आपसे उत्पन्न होगा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और देखें, यहां तक कि आपके कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उनका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं परमेश्वर की दासी हूं, जैसा आपने कहा वैसा ही मेरे लिए हो। इसलिए मरियम जल्दी से अपनी कुटुंबिनी एलिशिबा से मिलने गईं। एलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, ओह, तो ये सच है। लेकिन तुम सारी स्त्रियों में बहुत ही धन्य हो और तुम्हारे गर्भ का बच्चा भी धन्य होगा। मेरे साथ ये महान बात क्यों हुई कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई? जैसे ही मैंने तुम्हारा अभिवादन सुना, मेरे गर्भ का बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मेरा हृदय प्रभु की बड़ाई करता है। मेरे प्राण मेरे मुक्ति दाता परमेश्वर के कारण आनंदित है, क्योंकि उन्होंने अपनी दासी को स्मरण किया है। अब से सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे। यीशु का जन्म बेथलेहम में ऐसी जगह पर हुआ जहाँ जानवर रखे जाते थे, क्योंकि यूसुफ और मरियम के लिए उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी जगह नहीं थी। और स्वर्ग दूतों के एक दल ने यीशु के जन्म की घोषणा की। जब उस बच्चे के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है। और मरियम और यूसुफ बच्चे को प्रभु को समर्पित करने के लिए आराधनालय में ले आए। और जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मैं जान गई कि यीशु एक सामान्य भविष्यवक्ता से कहीं बढ़कर हैं। स्वर्गदूत का क्या मतलब था जब उसने यीशु को परम प्रधान का पुत्र कहा? तो प्रभु की किसी स्त्री के साथ संबंध से तुम्हारा मतलब नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। याद रहे, मरियम एक कुंवारी थी। यीशु का गर्भ में आना वास्तव में परमेश्वर के आत्मा द्वारा अद्भुत कार्य था। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, क्या तुम्हें इस पर विश्वास नहीं? अपने अद्भुत जन्म के कारण हालांकि यीशु हमारी और तुम्हारी जैसे स्त्री से जन्मे थे, फिर भी वो कहीं ज्यादा थे। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। परमेश्वर ने स्वयं ही ये कहा जब एलिशिबा का पुत्र योहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को यर्दन नदी में बपतिस्मा दे रहा था। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो आ रहे हैं वो मुझसे कहीं अधिक महान हैं। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उनके जूतों के बंधन खोल सकूं,
वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उसके हाथ में है, ताकि गेहूं को भूसी से अलग कर अपने रक्त में रख सके। पवित्र आत्मा यीशु पर एक कबूतर की तरह उतरा और स्वर्ग से एक आवाज आई और उसने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु उस इलाके में घूमते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे और उनके संदेश उनके अधिकार को साबित करते थे। क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? हाँ वही है। चुप रहो। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। वो अच्छा बोलता है। धर्मशास्त्र का यह लेख आज पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? ये प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरी कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे? उनके वचनों ने कईयों को सोचने पर मजबूर किया और उनके आश्चर्य कर्मों पर कई लोगों ने विश्वास किया। ये वही है। वो बाज नहीं आएगी। ये कौन है? ये वो गुरु है जो नासरत से आए हैं, यीशु। कैसी हो? ठीक हूँ। वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। गुरु, उसे छोड़ दें। आप उसे देखकर अपने आप को अशुद्ध ना करें। मरियम, तुम हमसे क्या चाहते हो नासरत के यीशु? हम जानते हैं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र। चुप रहो। दुष्ट आत्माओं, इस औरत में से निकल जाओ। उसने उसे मार डाला। क्या वो उसे छूने जा रहे हैं? नहीं, एक पवित्र पुरुष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मरियम, अब्राहम की बेटी, ये बिल्कुल ठीक है। वो जीवित है। आश्चर्य है, कौन है ये मनुष्य? यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी इनकी सुनती हैं। ये तो आश्चर्य है। ये तो आश्चर्य है। ये कैसे हो सकता है? धन्यवाद। 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 Thank you.
उस दिन के बाद से मैं उनकी अनुयायी बन गई। मैं वो करना चाहती थी जो परमेश्वर को अच्छा लगे। सालों तक मैं शर्मिंदगी में रही थी, लेकिन यीशु ने मुझे मेरा सम्मान लौटाया। उनकी सामर्थ्य ने सब दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दिया। ओह बच्चे, सफीरा, दीना, तुमने यीशु की शिक्षा को सुना और उनके आश्चर्य कर्मों को देखा? हाँ। तब तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने क्यों उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, और मैं ही अकेली नहीं थी। हम शारीरिक और आत्मिक रूप से भूखे थे, और हमें कोई ऐसा चाहिए था जो हमें परमेश्वर की राह दिखाता। वर्षों की निराशा और संघर्ष के बाद हम में से कईयों ने तो आशा ही छोड़ दी थी। फिर भी यीशु जहां कहीं भी गए, उन्होंने आशा दी। वो कौन है? एक जवान लड़का, एक विधवा का इकलौता बेटा। हे जवान, उठ। हमारे बीच एक महान भविष्यवक्ता आए हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने आए हैं। यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीष क्यों कर मिलेगी? पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। और यदि स्वयं पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यों कर आशीष पाओगे? पापी भी ऐसा ही करते हैं। वो उसे कैसे छू सकते हैं? वो उससे कैसे बात कर सकता है? बेशर्म। नहीं, शत्रुओं से प्रेम रखो, उनका भला करो, उधार देकर वापसी की आशा न रखो, तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे। वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी कृपालु है। दयावंत बनो, जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर पापियों से दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करते कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए, बल्कि उन्हें खोई हुई भेड़ के समान समझते हैं और अपने गले में शामिल करने के लिए ढूंढते हैं। हमें पता नहीं था कि ऐसे लोगों को भी मान और प्यार दिया जाना चाहिए जो सदियों से तुच्छ जाने जाते थे, और विदेशी संस्कृति के मिश्रित लोग जो हमें नापसंद थे। ये पता चला जब यीशु ने सामरिया की यात्रा की। ये कौन औरत है जिसे सब घृणा करते हैं? ये एक सामरी है, क्या यही काफी नहीं है? चलो, हमें भोजन खरीदना है और हम नहीं चाहते कि गुरु को इंतजार करना पड़े। मुझे पानी पिलाओगी? तुम एक यहूदी हो, मैं एक सामरी औरत हूँ, तुम मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? अगर तू जानती कि परमेश्वर क्या दे सकते हैं और जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। लेकिन तुम्हारे पास गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम पानी कहाँ से लाओगे? हमारे पूर्वज याकूब ने हमें यह कुआं दिया था।
उसने, उसकी संतानों ने और उसकी भेड़ बकरियों ने इसे पिया। तुम याकूब से बड़े होने का दावा तो नहीं कर रहे हो ना? जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं दूंगा उसे पीकर वो फिर कभी प्यासा ना रहेगा। जो जल मैं दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो मुझे भी वो पानी दो कि मैं फिर कभी प्यासी ना रहूं और ना फिर मुझे यहां पानी भरने आना पड़े। जा अपने पति को बुला ला और जल्दी आ। मैं, मेरे पास पति नहीं है। तूने सच ही कहा था कि तेरे पास पति नहीं है। तूने 5 आदमियों से विवाह किया और अब जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। तूने मुझसे सच ही कहा। आप तो भविष्यवक्ता लगते हैं। मेरी सामरी पूर्वज इस पर्वत पर परमेश्वर की उपासना करते थे, पर यहूदी कहते हैं यरूशलेम में हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। मेरा विश्वास कर, वो समय आता है कि तुम परमेश्वर की आराधना न तो इस पर्वत पर करोगे और ना ही यरूशलम में। तुम सामरी वाकई नहीं जानते कि तुम किसकी आराधना करते हो, लेकिन वो समय आ रहा है, बल्कि आ ही चुका है, जब परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, जैसा कि प्रभु चाहते हैं। परमेश्वर आत्मा है और सिर्फ उनके आत्मा के सामर्थ्य से ही लोग उनकी सच्ची आराधना कर सकते हैं। ये है वो औरत। वे उससे क्या बातें कर रहे हैं? क्या वे जानते हैं वो कौन है? मैं जानती हूँ कि मसीह जरूर आएंगे और जब वो आएंगे तो वो हमें पूरी बात बताएंगे। मैं वही हूँ। देखो, उस आदमी ने जो कुछ मैंने किया वो सब बता दिया। क्या वो मसीह हो सकते हैं? मसीह? मसीह? प्रतिज्ञा किया हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। आओ और देखो, आओ। गुरु, कुछ खा ले। मेरे पास जो भोजन है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। क्या कोई उनके लिए खाना लाया है? मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की आज्ञा मानूं और जो उन्होंने मुझे काम दिया है उसे पूरा करूं। फसल पक चुकी है और कटने के लिए तैयार है। देखो कितने लोग आ रहे हैं। सामरियों के लिए भी कोई शुभ समाचार है? शहर के लोग यीशु के पास आए और उनसे विनती करने लगे कि उनके साथ रहें और उन्हें शिक्षा दें। हम वहां 2 दिन रहे और बहुत से सामरियों ने उन पर विश्वास किया। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो फिर बाकी की चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। ये किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें एक के समान सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते हैं जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वे तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। हे अल्प विश्वासियों, हमारे विश्वास को और बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो तो तुम इस पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारा कहा मान लेता। पाप में गिराने के लिए परीक्षाएं अवश्य आती हैं,
परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो आती है। जो किसी के लिए पाप का कारण बनता है उसके लिए यही ठीक है कि उसके गले में भारी पत्थर लटकाकर उसे समंदर में डाल दिया जाए। परमेश्वर का राज्य किसके समान है? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मनुष्य ने राई का एक दाना अपने खेत में बो दिया और उसका पौधा बड़ा होकर ऐसा पेड़ हो जाता है कि पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? पापी? स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती परंतु रोगियों को है। जो बहिष्कृत है मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूँ, सम्मानितों को नहीं। अगर मैं उनका कपड़ा ही छू सकूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। किसने मुझे छुआ? किसी ने मुझे छुआ है। मैं जानता हूं कि मुझसे सामर्थ्य निकली है। ये मैं हूं जिसने आपको छुआ है। 12 साल से लहू बहने से परेशान थी। अपना सब कुछ वैद्यों पर खर्च कर दिया पर वो कुछ ना कर सके। लेकिन जब मेरी उंगलियों ने आपके दामन को छुआ मैं चंगी हो गई। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शांति से जा। धन्यवाद। उन्होंने उसे बेटी कहा? हाँ, जो हमारे नियम के अनुसार 12 सालों से अशुद्ध थी। उन्होंने उसकी शर्मिंदगी देखी और उसे इज्जत दी। मैं नहीं जानती कि किससे उसे चंगाई मिली, यीशु की सामर्थ्य से या उनकी दया से। ऐ मेरे लोगों, भयभीत ना हो। परमपिता की यह इच्छा है कि तुम्हें राज्य दें। अपना सब कुछ बेचकर पैसा गरीबों को दान कर दो और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां वो घटता नहीं, क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच सकता, न ही कीड़ा उसे नष्ट कर सकता है। जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा। हे नारी, तुम अपनी बीमारी से मुक्त हुई। देखो देखो वो चंगी हो गई। ये तो चमत्कार है। देखो वो चंगी हो गई। आओ देखो एक और चमत्कार। प्रभु की महिमा हो। 18 साल। परमेश्वर आपको सुखी रखे गुरुजी। 6 दिन हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, इसलिए उनमें से किसी दिन आकर चंगे हो जाना, लेकिन विश्राम के दिन नहीं। अरे कपटियों, क्या विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गधे या बैल को खोलकर उन्हें पानी पिलाने नहीं ले जाता? और यहाँ पर ये स्त्री जो अब्राहम के वंश से है, जो 18 वर्ष तक शैतान के बंधन में थी, क्या विश्राम के दिन उसे मुक्त करना उचित न था?
वैश्य। गुरु, ये औरत व्यभिचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। हमारे नियम में मूसा ने आज्ञा दी है, ऐसी औरत को पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। पत्थरवाह करो, पत्थरवाह करो। आप क्या कहते हैं? गुरु, हमारे पास दो लोगों की गवाही भी है। हम इस औरत के साथ क्या करें? तुम में से जिसने कभी कोई पाप न किया हो वही उसे सबसे पहले पत्थर मारे। औरत, वो कहां गए? क्या तुझे दंड देने के लिए कोई नहीं रुका? यहां कोई नहीं तो मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता। और अब फिर कभी पाप मत करना। मुझे ऊपर उठाओ। आ जा मेरे कंधे पर। क्या आप तुम देख सकते हो? मैं यीशु को देख सकता हूँ। वो नियमों को तोड़ता है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। विश्राम दिन का उल्लंघन करता है। रोते हुए कुछ बीज मार के किनारे गिरे और पापियों के साथ रहता है। और कुछ अगर हम उसे ऐसे ही जाने देंगे तो हर कोई उस पर विश्वास कर लेगा और रोमी अधिकारी कार्रवाई करेंगे और हमारे मंदिर को तोड़ देंगे। अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उग कर। वो यीशु को फांसने और उनके पीछे चलने वालों को रोकने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने उनके मसीह होने के दावे को रोकने का इरादा कर लिया और उन्होंने एक ऐसे आदमी को ढूंढ लिया जो उन्हें धोखा देने के लिए तैयार हो गया। यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर प्रार्थना के लिए जाते थे। उस रात वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? गुरु, क्या हम तलवार चलाएं? चलो इसे पकड़ लो। बस बहुत हो गया। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है जबकि अंधकार का साम्राज्य है। तुम,
पकड़ लो इसे। उनके ही साथी ने उन्हें धोखा दिया, उनके अपने ही एक शिष्य ने, जिसे हम सब जानते थे और भरोसा करते थे। इस पे निगरानी रखो। उस रात पहरेदारों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें मारा। तुझे किसने मारा बता जरा। भविष्यवाणी कर, अब कौन तुझे मारेगा। बस करो, ये सब बंद करो, इसे सभा के सामने लाओ। ये बता हमें, क्या तू सचमुच मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे, यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो तू क्या परमेश्वर का पुत्र है? हाँ मैं हूं। उसने परमेश्वर की निंदा की है। तुम लोगों ने परमेश्वर की निंदा सुनी? हमने खुद अपने कानों से उसे कहते सुना। वो दोषी है और उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। हाँ हाँ ले जाओ इसे। इसलिए वो उन्हें रोमी शासक पुंतियुस पिलातुस के पास ले गए। एक निर्दयी शासक पिलातुस, जो हजारों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। और तुम लोग मुझसे इतनी सुबह सुबह क्या चाहते हो? हमने इस आदमी को लोगों को बहकाते पकड़ा है। इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी। हमने उसे दोषी पाया। हमने इसे लोगों को कर देने से मना करते और अपने को मसीह और राजा कहते हुए सुना है। राजा? क्या तू इन यहूदियों का राजा है? तुमने खुद कहा। कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। हमारे कानून के अनुसार वो मृत्युदंड का अधिकारी है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। इस आदमी ने मृत्यु के दंड के योग्य कुछ नहीं किया। इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं। अगर तुम उसे छोड़ते हो तो तुम कैसर से गद्दारी करोगे। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तुम उसे कोड़े मारो। जो कोई अपने आप को राजा कहता है वो कैसर से बगावत करता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो पिलातुस? ले जाओ इसे, मार डालो, क्रूस पर चढ़ा दो। उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। चलो आगे बढ़ो।
हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, पर उनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे मेरे साथ। और दोपहर से लगभग 3 घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे। धार्मिक सभा के एक सदस्य अमृतिया के यूसुफ ने, जो इस कार्य से सहमत नहीं था, जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु के मृत शरीर को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके। हमें क्षमा करें, हम अपने प्रभु की देह के पीछे पीछे आ गईं। सभी आ सकते हैं, लेकिन चलो, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। उन्होंने उसे क्यों मारा? अगर वो परमेश्वर की ओर से थे तो उन्होंने उन्हें खुद को क्यों मारने दिया? मैंने ये सारे प्रश्न पूछे। यीशु के पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार था, यहां तक कि मुर्दे भी उनकी सुनते थे। क्या वो ये सब रोक नहीं सकते थे? मैं 3 साल तक उनके पीछे चलती रही कि शायद यही वो प्रतिज्ञा किए हुए मसीह हूं, लेकिन अब तो वो जा चुके थे। अब मैं कहां जाऊं? ये बड़ी दुख भरी कहानी है, लेकिन इसका एक महिमामयी अंत है। रविवार की सुबह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद ये 3रा दिन था जब हम सुगंधित द्रव्य तैयार करके कब्र पर गए उनकी देह पर लगाने के लिए। कब्र का पत्थर हटा हुआ है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, सुनो, वो पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए लेकिन हमारे प्रभु जा चुके थे। वो प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और पता नहीं कहाँ रख दिया है। क्या हमारे प्रभु का शरीर ले गए? जाओ और अपनी आंखों से देखो। Thank you.
कब्र की अच्छी तरह जांच करने के बाद पतरस दूसरे शिष्यों के पास लौटा, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रही, हैरान और रोती हुई। उन्हें जरूर सिपाहियों ने चुरा लिया है, या फरीसियों ने। उन्होंने हमारी सारी आशा खत्म कर दी। कम से कम वो हमारे लिए उनका शरीर ही छोड़ देते। रो क्यों रही है? वो मेरे प्रभु को ले गए हैं। मैं नहीं जानती उन्हें कहां रखा है। हे नारी, तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढ रही है तू? देख, अगर तूने उन्हें उठा लिया है तो मुझसे कह दे कि उन्हें कहां रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। मरियम, गुरु, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। आप जीवित हैं प्रभु। जा और ये खबर मेरे भाइयों को सुना। आप हमें नहीं भूले, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। उन्हें बताओ। मैंने प्रभु को देखा है, मैंने मसीह को देखा है। क्या वो जीवित हो गए हैं? हाँ, कैसे? मृत्यु उन पर विजय न पा सकी। तो फिर उन्हें मरना क्यों पड़ा? मृत्यु पर विजय पाने के लिए। ओ, मैं उन्हें उस दिन न समझ सकी, लेकिन उसके बाद यीशु हमें कई बार दिखाई दिए और उन्होंने हमें शिक्षा भी दी। यीशु के आने से हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने शास्त्रों में प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि वो दुख उठाएगा। यशायाह ने लिखा, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मूसा भविष्यवक्ता ने लिखा, जो लटकाया जाता है वो परमेश्वर द्वारा श्रापित है। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। मेरा श्राप पाप और मृत्यु का। उनके त्याग और पुनरुत्थान ने हमें बुराई के बंधन से मुक्त किया, हमें अंधकार की शक्ति से बचाया और हमें डर और शर्मिंदगी के जीवन से आजाद किया। ये वो आशीष है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे पूर्वज अब्राहम से की थी, जब उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के सारे लोग उनके द्वारा आशीष पाएंगे। सारे लोग? स्त्रियां भी? यीशु ने मुझे अब्राहम की बेटी कहा। तुम एक प्रिय बेटी हो, एक बेटी जिसे वो आशीष देना चाहते हैं, जैसे कि उस औरत को उन्होंने 12 साल की बीमारी से मुक्त किया, या मेरी जैसी। हम में से किसी को भी डर या शर्मिंदगी का जीवन जीने की जरूरत नहीं है। अब हमें छुपे रहने की जरूरत नहीं है। यीशु ने स्वयं कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। यीशु ने लोगों को छुआ, बीमार महिलाओं को भी जो अशुद्ध समझी जाती थीं, और उन्हें चंगा किया। उन्होंने बच्चों, आदमियों, औरतों, अमीरों
गरीबों, धर्मी और पापियों को शिक्षा दी, उनका सम्मान उन्हें लौटाया और अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उन्होंने लोगों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, स्त्री पुरुष और बच्चों को शैतान के बंधन से आजाद किया। इस प्रकार उन्होंने अपना अधिकार दुष्ट और हर प्रकार की आत्मा पर प्रकट किया। यीशु बेटे बेटियों को मृतकों में से वापस ले आए। उन्होंने अपनी सामर्थ्य मृत्यु पर भी प्रकट की। और हालांकि शैतान और दुष्ट आत्माओं ने समझा कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर विजय हासिल कर ली, लेकिन यीशु मृतकों में से जी उठे शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए। तो क्या वो मसीह थे? केवल प्रतिज्ञा के मसीह ही ये सब काम कर सकते थे जो यीशु ने किए। और केवल यीशु जैसे कोई दयावंत, सामर्थ्यवान और विश्वसनीय ही हमारे विश्वास और भक्ति के योग्य हैं। जब परमेश्वर ने संसार बनाया तो उन्होंने स्त्री पुरुष को अपनी उपस्थिति में रहने के लिए और अपने आनंद को अनुभव करने के लिए बनाया। ये उनकी योजना थी, लेकिन हमने उनका विश्वास नहीं किया और उनकी आज्ञा नहीं मानी। इस शर्मनाक काम ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया और स्त्री पुरुष के प्रगाढ़ संबंध को बिगाड़ दिया। हमने भी इस आज्ञा उल्लंघन को जारी रखा। पवित्र शास्त्र कहता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप न किया हो। पाप का परिणाम मृत्यु और परमेश्वर से अलग होना है। लेकिन परमेश्वर संतुष्ट या प्रसन्न नहीं थे कि हम उनके प्रेम से अलग होकर शर्मिंदगी या डर में जिए। इसीलिए जैसे उसने अब्राहम के बेटे के बदले मेमने की बलि का उपाय किया था, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बदले मरने भेजा। यीशु के जीवन, मृत्यु और जी उठने ने परमेश्वर और जो उनके पीछे चलना चाहते हैं, उनके संबंधों को फिर से बहाल किया। और परमेश्वर के साथ हमारा ये संबंध कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हम मर भी जाएं। क्रूस पर चढ़े अपराधी ने जब वो मर रहा था तो यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने उससे प्रतिज्ञा की, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जो अपना विश्वास यीशु में रखते हैं, वो अनंत दंड से बच जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। कैसे? विश्वास के साथ उनके पीछे चलने से। पर वो मुझे कैसे अपनाएंगे? मुझे और मरियम को भी स्वीकार किया है। मैं कैसे जानूंगी? उनका विश्वास करो, उनसे पूछो, उनसे बात करो। परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, आप पवित्र और धर्मी हैं। धन्यवाद आपका कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। आपका धन्यवाद कि आपने प्रतिज्ञा किए हुए मसीह को भेजा कि वो शर्मिंदगी और अपराध बोध को नष्ट कर दें। आपका धन्यवाद कि वो मेरे बदले मरे। मैं अपने जीवित उद्धारकर्ता के पीछे चलना चाहता हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे क्षमा किया और मुझे अपना लिया। आमीन। 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 आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे चलती हैं। वो तुम्हें जानते हैं रिबका, और वो तुमसे प्रेम करते हैं। ये एक अनंत संबंध का आरंभ है जो बढ़ता है जैसे जैसे हम उन्हें जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। हम उनके वचन पर विश्वास करने से बढ़ते हैं, विश्वास द्वारा प्रार्थना करने से, जो उन पर विश्वास करते हैं उनके साथ रहने से, और हम उनके बारे में दूसरों को बताते हैं यीशु की बात को याद करते हुए। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें।
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं।